इस पत्थर के साइड में देखो ये बैठी हुई है, तो अभी छोटा भाई उसको पकड़ने की कोशिश करेगा। इसको पकड़ते हैं और अपने फार्म पर इसको लेके चलते हैं। ये देखो छोटा भाई कोशिश कर रहा है और वो जा रही है, तो वापस उस जगह आ गई, ये ऊपर की साइड जा रही है। देखो ये देखो ये अभी यहाँ पे पत्थरों के बीच बैठी हुई है, तो आ गई आगे। छोटे भाई के हाथ नहीं आ रही, ये देखो ये वापस जा रही है। बहुत कोशिश के बाद भी छोटे भाई की कोशिश नाकाम, ये आगे गई है। भाई ने पूरा पानी गंदा कर दिया, तो अभी उसको ढूंढने में काफ़ी वक्त लगेगा। तो भाई कैसे हो आप सब, मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो गुड़िया और आरती दोनों टब के अंदर चारा खा रही, दोनों को फार्म के अंदर खुला छोड़ा है। और सामने की साइड जो अपनी सारी गाय वो सभी बंधी हुई है, और वहीं पे उनको चारा डाल दिया है कुट्टी करके। और अभी महाराज की माँ को बाहर बांधा है, इसका दूध बंद है, सुबह दूध निकालने के लिए जो दूध वाली गाय सारी सामने बंधी है, तो उनको वहीं पे रहने दिया, वहीं पे उनको चारा कुट्टी करके दे दिया। महाराज की माँ दूध नहीं देती तो इसको बाहर बांधा था, तो इसको बाहर ही चारा दे दिया है, थोड़ा थोड़ा सबको दिया है। तो थोड़ी देर में और एक बार चारा दे देंगे। बारिश अभी चल रही है और ये बारिश रात को 12 बजे से शुरू हुई है, तो अब तक रुकने का नाम ही नहीं ले रही। बिल्कुल यही स्थिति में बारिश पूरी रात से मतलब 12 बजे से चल रही है। तो बच्चों को भी कमी चारा दिया है, तो चारा खाना हो जाए फिर दे देंगे। जैसे इनको बारिश लगेगी ज़्यादा तो अपनी माँ के पास ये अंदर जा सकते हैं, मतलब इनकी माँ तो नहीं है, गुड़िया की माँ तो नहीं है अंदर, लेकिन उधर जा सकते, उधर जगह है। और इस वाले सेफ्टी रूम के अंदर छोटे इन चारों को बंद कर दिया है और यहीं पे इनको चारा दे दिया है, तो इनको कोई दिक्कत नहीं, बारिश नहीं लग रही। और इस साइड में इन दो गायों को बांधा है, तो गंगा दूध निकालने के लिए अंदर गई, तो अभी विक्रम की माँ बाहर है, तो इन दोनों को भी चारा थोड़ा ही दिया। जैसे इनका दोनों का खाना हो जाए फिर इनको बाद में और एक बार चारा दे देंगे। तो इन दो शैतानों को भी हमें फार्म के अंदर खुला ही छोड़ने वाला था, लेकिन ये दोनों फार्म के अंदर जो गाय बांधने की रस्सी है ये खाएंगे, इसलिए इन दोनों को बाहर बांधा है और चारा भी रखा है। इतना खाना हो जाए फिर एक बार इनको चारा और दे देंगे। इनको हमने सुबह सेफ्टी रूम के अंदर ही रखा था, दूध निकालने के बाद सीधा इधर ही गए थे, लेकिन पूरे दिन बारिश चल रही है तो ये अंदर रहेंगे, तो ये जो गंदा अपना जो सेफ्टी रूम है वो कर देंगे, फिर रात को इनको दिक्कत आएगी, क्योंकि रात को भी इनको इन्हीं सेफ्टी रूम के अंदर रहना पड़ता है, और सेफ्टी रूम के अंदर है मिट्टी, तो पूरा दिन में पूरी गंदगी हो जाएगी, फिर रात को इनको बैठने को भी जगह अंदर नहीं रहेगी। तो दिन को बाहर चारा खिला लेंगे, लेकिन रात को दिक्कत ना हो इसलिए हम रात को इनको उधर बंद करेंगे, इसलिए उधर कीचड़ ना होना चाहिए, इसलिए इनको बाहर ही रखा है। और जो ये वाला सेफ्टी रूम है छोटे बच्चों का, यह है सीमेंट का फर्श का, तो इधर जैसी बारिश खुलेगी ये सूख जाएगा, मतलब इनको कीचड़ का कोई जो प्रॉब्लम है वो आएगा नहीं, लेकिन और इन चारों को आएगा, इसलिए हमने इन चारों को बाहर रखा है। और इनको थोड़ी देर में अगर बारिश नहीं खुली तो इन दोनों को हम गायों के पीछे है जगह, तो वहाँ बांध देंगे चारा खिला के, फिर उधर रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। उस वाले फार्म के तो अभी चरने को जाएंगे, वो भी गीले हो रहे हैं, तो अभी हम पहले खाना खा रहे हैं, खाना खाते हैं फिर एक बार गाय को चारा देना पड़ेगा। लगभग इनका खाना हो चुका है, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे क्योंकि बारिश में चारा गंदा हो रहा है, खाएंगे नहीं पूरा, तो थोड़ा थोड़ा करके और एक बार चारा इनको दे देंगे। इतना खाना हो जाए इनका फिर मिल जाएगा, और बाद में फिर और एक बार दे देंगे। तो अभी ये सब आ चुके हैं चारा खाने बाहर, और दो दिन तक ये गए थे हम जहाँ पुरानी जगह ले जा रहे थे वहाँ पे, लेकिन आज रात को 12 बजे से बारिश शुरू हुई है तो सभी जगह हो गया है कीचड़, तो वहाँ पे बढ़िया चारा नहीं खा पाएंगे, इसलिए अभी इनको पहाड़ पे लेके आए। पहाड़ पे कितनी भी बारिश हो यहाँ पे कीचड़ बिल्कुल नहीं होता, और जैसे ही बारिश खुलती है यहाँ पे सूखने को कुछ टाइम नहीं लगता, सिर्फ आधे घंटे में बारिश खुलते ही सूख जाता है, तो इनके लिए बढ़िया रहेगा, इनको सूखने में भी कोई दिक्कत नहीं। और बारिश हल्की अभी फिलहाल चल रही, तो लगता रहा है कि थोड़ी देर में खुल जाएगी, फिर बढ़िया से चारा खाएंगे। पूरी रात ये गीले हुए हैं, तो अभी तो मतलब अभी भी 11 बज चुके हैं, तो 11 बजे तक मतलब पूरे 12 घंटे तक बारिश चलती रही है, तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे ये बढ़िया से चारा खा लेंगे। तो अभी बारिश खुल के एक घंटा हो चुका है, और आधे घंटे पहले हमने गायों को फार्म के अंदर खुला कर दिया था, और फार्म के अंदर जो गोबर था उठा लिया था, महाराज की माँ खुराक के लिए आई है, वर्षा भी उसी के लिए, लेकिन इनको मैंने जैसे ही खुराक यहाँ लेके आया तभी दे दिए, तो इनको अभी खुराक देने की ज़रूरत नहीं। अभी खुराक पानी में डाली है, तो मैंने शुद्ध खुराक अभी दी है, सबको मिली है, तो बाकी सब खा के चली गई, लेकिन मैं दोबारा वीडियो शूट करने आया तो ये दोनों वापस आ गई, तो इनको देने की कोई ज़रूरत नहीं, मिल चुकी है। बाहर इन दोनों को भी खुराक दे दी, ये दोनों बाहर ही बंदी रहेंगी, इनको अंदर छोड़ा तो भाग दौड़ चालू हो जाएगी। और बारिश चल रही थी उसी टाइम हमने इनको दो बार चारा खिला लिया था, मतलब मान के चलो एक गाय को एक टब से थोड़ा ही कम चारा मिला है, तो दो गायों को हमने दो टब चारा दिया था, मतलब एक बार पहले एक टब दिया,
दो गायों ने वो खत्म किया, फिर दोबारा एक टब दिया और वो भी दो गायों ने खत्म किया, थोड़ा बहुत चारा बचा है, मतलब मान के चलो आप एक गाय को एक टब से थोड़ा ही कम चारा मिला है, मतलब पूरे दिन में बहुत भरपेट जो चारा है वो उनको सुबह हमने बांध के खिला दिया था, तो अभी चारा देने की जरूरत नहीं और ना ही चारा गंदा होगा। और कबूतर को भी दाने दिए थे, वो भी बढ़िया से खा रहे। और अभी बाहर मैंने छोटे चार शैतानों को निकाल लिया है, गौरी और राम जी यहाँ पे चारा खा रहे, इनने भी फार्म के अंदर ही बढ़िया खा लिया है। देखो राम जी का पेट फुल है, पानी नहीं पियेंगे, ये चारे का साथ जो पेट है वो फुल है, पानी की साइड खा लिया है क्योंकि पानी ये पियेंगे नहीं गीले हुए सुबह से। गौरी का भी देखो पानी वाली साइड खा लिया, चारे वाली फुल। मंगल सामने जाके बैठा है तो चारा मैंने थोड़ा ही रखा है। नीम के पेड़ के नीचे भी चारों शैतान चले गए, उनको भी वहाँ पे और एक बार चारा दे दिया। उस वाली फार्म की गाय पिताजी ले गए आज भी चराने को, और छोटा भाई आज कॉलेज गया ही नहीं क्योंकि सुबह से बारिश चल रही थी, तो बोल रहा था कि जाना ही नहीं, जाना है फिर आधे घंटे एक घंटे में वापस आना है, तो गया नहीं। तो छोटा भाई चला गया है चाचा जी के साथ उस वाले फार्म की जाली के काम के लिए। तो हम यहाँ पे जो बच्चे काम थे वो पूरे करने के लिए रुके थे, हमने यहाँ के काम भी निपटा लिए हैं, तो हम भी चलते हैं वहाँ पे उनके साथ काम फटाफट पूरा करके आते हैं। तो अभी नाले में बहुत सारा पानी बह रहा है और वो भी पूरा अच्छा है, कांच की तरह ऊपर से नीचे तक का पूरा दिख रहा है। और अभी बढ़िया से गाय यहाँ पे पानी पी सकती है, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं, हमारे कुएं के अंदर काफ़ी पानी साफ और मोटर चल रही है, तो यहाँ पे पिलाने की कोई ज़रूरत नहीं, साफ पानी है। इस साइड से भी साफ पानी आ रहा है डैम का, और इधर की साइड जो आ रहा है वो अपने कुएं का ही आ रहा है, हमने कुएं का पानी नाले में छोड़ दिया, कुआं ऊपर तक भर गया था, तो कुआं साफ हो जाए पानी निकल जाए इसलिए यहाँ पे पानी छोड़ा, काफ़ी बह रहा है। और ये रहा अपने कुएं का पानी यहाँ पे निकल रहा है बढ़िया से, और इसी पानी के अंदर अभी डैम की मछली भी मैं जब अपनी गाय छोड़ने के लिए गया था तो वहाँ से नाले में से आ रहा था, तो मुझे दो मछली पानी में आती हुई दिखी थी, तो उनका फुल स्टॉप है यहाँ तक ही, यहीं पे आके अटक जाएंगे, जब पानी बंद होगा तब हम उनको पकड़ लेंगे। अभी तो फिलहाल दिख नहीं रही, मैं उन्हीं को देख रहा हूँ लेकिन अभी पानी में नहीं दिख रही, थोड़ी देर बाद जब लाइट चली जाएगी तो नाले का पानी हो जाएगा बंद, तो यहाँ पे मछली यहाँ पे गड्ढा है यहाँ पे अटक जाएंगी, तब हम बाद में उनको पकड़ लेंगे। तो इस वाले फार्म का आज है काम का तीसरा दिन, और तीसरे दिन का काम करते हैं शुरू। कल का काम अपने जाली लगाने का इस पेड़ तक हो गया था, और आज तीसरे दिन का काम चाचा जी और छोटे भाई ने मिलके शुरू कर दिया है। तो इस साइड के जो कांटे थे अभी काफ़ी हद तक हटा लिए हैं, लेकिन हम कल कांटों को दो तरह से निकाल लेते, जो जलाने लायक कांटे थे वो अलग, और जो हमें घर ले जा के चूल्हे के लिए यूज करने थे वो अलग। लेकिन आज उन्होंने जो कांटे हैं जो चूल्हे के लिए चाहिए वो भी, और जो जलाने थे यहाँ पे वो भी एक ही साथ इकट्ठा कर दिया एक साइड, तो आज तो ये जलेंगे नहीं क्योंकि रात को 12 बजे से इन पे बारिश गिर रही, तो ये बिल्कुल जलेंगे नहीं, इनको साइड करके ही बेहतर रहेंगे, बाद में इनको कभी भी जला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, साइड हो जाएंगे, रास्ते में भी नहीं, रास्ता इस साइड से हो जाएगा। और हमें ये जगह खुली करनी है आज काफ़ी हद तक, आज तीन लोग हैं तो आज काम ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन आज काम देर से शुरू हो रहा है, तो लगभग कल के इतना ही काम होगा, ज़्यादा तो नहीं होगा क्योंकि कल हम दो लोग सुबह से लगे हुए थे, लेकिन आज हम तीन लोग दोपहर को लग रहे, तो ज़्यादा कोई अंतर आएगा नहीं, कल के इतना काम होना चाहिए। बाकी साइड में ये पेड़ है, इसको थोड़ा नीचे से जो टेनिया वो काट के ऊपर तक अच्छा करके जाएंगे, फिर उस पेड़ को ही बांधेंगे, यहाँ बीच में एक पेड़ है उस पेड़ को बांधेंगे, बाकी यहाँ पे बीच में दो तीन हमें लकड़ी के पोल लगाने हैं और इस साइड में भी कांटे हटाने हैं। तो कम से कम ये जो यहाँ पे सामने ये पेड़ है बड़ा बाबुल का, यहाँ तक पहुँचाना, यहाँ तक जाली आ रही है, हमने नाप ले लिया, तो वहाँ से यहाँ तक के कांटे हटाएंगे और फिर जाली लगाएंगे। कल के मुकाबले आज काम ज़्यादा होना चाहिए, बाकी फिर कैसे भी हो लेकिन करना है। कल तो बिच्छू ने काट लिया था इसलिए मेरा एक घंटा फालतू गया था, आज कोई ना काटेगा तो फिर बढ़िया से काम मैं कर पाऊँगा। तो छोटा भाई गया है फार्म पे कुछ लेने, उतने टाइम में मैं ये साइड के कांटे हटा लेता हूँ। तो अभी सामने की जगह के कांटे रह गए थोड़े, वो अभी निकाल रहे हैं, और चाचा जी इस तरह कांटे निकाल के यहाँ पे आग में डाल रहे, और ये पूरी रात बारिश में गीले होने के बाद भी जल रहे हैं क्योंकि बहुत पुराने, तो इनको जलना हमें लगा था मुश्किल है, लेकिन बढ़िया से जल चुके पूरी रात गीले होने के बाद भी। कुछ इस तरह चाचा जी कांटे लेके आ रहे और इसमें डाल रहे, लेकिन जलने में इनको काफ़ी टाइम लगा, बहुत टाइम से हम जला रहे थे, करीब आधा घंटा लगे इसको जलाने, लेकिन जलने के बाद अभी वो अच्छी तरीके से जल रहे हैं। और इस साइड में है तो कांटे भी निकल गए, और जो नीचे वाला जो कांटों का ढेर था जो छोटे छोटे, वो भी छोटे भाई ने पूरे टब के अंदर भर के सामने गोबर खाद में डाल दिए, पूरी गंदगी यहाँ की साफ हो गई। इस साइड में बाकी है जो कि अभी छोटा भाई कर रहा है,
इस साइड की भी साफ हो जाए, फिर हमें सिर्फ आगे वाली काट निकालने के बाद उधर की सफाई करनी, फिर आखिर में हम लगाएंगे इस साइड में जो जाली है लग गई, आगे की साइड यहाँ पे भी वैसे ही लगा देंगे। तो अभी अपनी मोटर का पानी हो गया है बंद, और जो एक मछली हमें अभी दिखी है, सुबह हमें दिखी थी लेकिन सुबह बहुत ज़्यादा पानी था, हम तो पकड़ नहीं पाए। लेकिन अभी देखो इस पत्थर के साइड में देखो ये बैठी हुई है, तो अभी छोटा भाई उसको पकड़ने की कोशिश करेगा। इसको पकड़ते हैं और अपने फार्म पर इसको लेके चलते हैं। तो ये देखो छोटा भाई कोशिश कर रहा है और वो जा रही है, तो वापस उसी जगह आ गई, ये ऊपर की साइड जा रही है। ये देखो ये अभी यहाँ पे पत्थर के बीच बैठी हुई है, तो आ गई आगे। छोटे भाई के हाथ नहीं आ रही, ये देखो ये वापस जा रही है। बहुत कोशिश के बाद भी छोटे भाई की कोशिश नाकाम, ये आगे गई है। भाई ने पूरा पानी गंदा कर दिया, तो अभी उसको ढूंढने में काफ़ी वक्त लगेगा। बहुत कोशिश कर रहा है लेकिन छोटे भाई के हाथ आ नहीं रही वो, और पानी गंदा कर दिया। इसी बीच मछली भी भाग जा सकती है यहाँ से। तो अभी छोटे भाई के हाथ मछली लग चुकी है और ये रही मछली, तो अभी हम इसको लेके चलते हैं और टैंक में फार्म पे लेके जल्दी डालते हैं, नहीं तो ये मर सकती है। तो चलो चलते फटाफट इसको लेके फार्म पर। तो अभी हमें एक मछली जो मिली थी हम लेके आए बाल्टी में पानी के साथ, अभी उसको रखा है, तो इसको हम जल्दी उस वाले फार्म मतलब उस वाले कुएं के अंदर शिफ्ट कर देंगे। तो अभी चाचा जी ये पेड़ अभी तोड़ रहे हैं, और इस साइड के लगभग कांटे हमने हटा दिए, बड़े छोटे रह गए जो कि अभी थोड़ी है वो भी हटा देंगे। और छोटा भाई है जो कि मिट्टी के अंदर छोटे छोटे कांटे, उनको मिट्टी के साथ उठा के गोबर खाद के साथ उधर मिक्स कर रहा है। और चाचा जी ने बड़ी वाली एक लकड़ी तोड़ ली है, तो अभी जो छोटे कांटे हैं थोड़े से बचे हुए वो हम उठा लेते हैं, बड़े तो सारे निकल गए और जगह भी काफ़ी सारी खुली हो चुकी है। देखो कितना बड़ा फार्म दिख रहा है, पहले बहुत छोटा छोटा दिखता था। तो अभी करते हैं फटाफट से ये सारे मिटाने के काम गंदगी, और फिर जाली लगाएंगे। तो सामने वाला एक ये और एक वो, दो गड्ढे अभी हो चुके हैं, और उनके लिए हमने जो अभी वहाँ पे जो पोल रहेंगे लकड़ी वाले, उनके ऊपर अभी चाचा जी ऑयल लगा रहे हैं। जितने मिट्टी के अंदर दबेंगे उस जगह पे अभी ऑयल लगा रहे हैं। सामने और एक गड्ढा बन रहा है, यहाँ पे एक बनेगा। तो सामने एक ये बेर का पेड़ जो कि ऊपर का पूरा हमने निकाल लिया, क्योंकि ये पूरा नीचे था, जाली को दिक्कत देता, तो इसलिए हमने पूरा निकाल लिया। अभी जो भी आएगा ऊपर वो सीधा ऊपर ही जाएगा, तो छाव भी बन जाएगी, और हमें एक जो पोल चाहिए इसका काम भी ये बन जाएगा। और सामने जो अभी इस साइड में ये ऐसे जो बाबुल का पेड़ है वो ऊपर जाके ऊपर से सीधा नीचे तक आया है, तो यहाँ से हमने आगे की साइड पूरा निकाल लिया। तो इसको ऐसे रहने देंगे और इस जगह पे एक पोल लगा देंगे, तो बीच में जो खुली जगह यहाँ पे एक पोल आ जाएगा, तो और आगे फिर सीधा पेड़ को बांध देंगे। तो चार पोल अभी लगाने हैं, और बाकी पोल जो है हमें रेडीमेड मिल गया, जैसे कि एक ये सामने और इस साइड में एक ये जो बाबू है नीचे आए उसका एक, और एक सीधा उसका तना। तो इस जगह से उस पेड़ से सीधा इस पेड़ तक की जगह अभी हो गई है पूरी साफ, और अभी यहाँ पे लग जाएगी जाली, और जो नीचे की गंदगी है साइड में इकट्ठा कर दी। उतना अपने पास टाइम बचा नहीं है कि इसको हम यहाँ से उठा के इस जगह डाल सके, तो पहले जाली लगा लेते, टाइम बचा तो इसको उठा लेंगे, नहीं तो फिर ये कल सुबह उठाया जाएगा, क्योंकि अभी साइड हो गया, हमें इससे अभी कोई दिक्कत होगी नहीं, बाद में उठा जा सकता है। लेकिन जाली लगाना अर्जेंट है, अगर जाली अभी नहीं लगी तो हमें रात को बच्चों को बंद करने में दिक्कत आएगी। तो करते भी फटाफट से बचे हुए काम पूरे। तो उस पेड़ तक जाली लगाने का काम पूरा किया अभी 2 मिनट पहले, वहाँ तक जाली हमने लगा दी, और देखो पूरी बढ़िया तरीके से जाली लग चुकी है ये देखो। और मतलब आधे फार्म पे अपनी जाली लग गई, आधा ही काम रह गया। तो कल अगर बारिश नहीं हुई सुबह में तो काम कल जल्दी शुरू हो जाएगा, अगर बारिश चली तो नहीं होगा। तो आज दोपहर को हमें 12 बजे तक बारिश ने परेशान किया, बारिश खुलते ही फिर 12 बजे काम बाद हमने काम चालू किया। अगर बारिश नहीं आती तो हम ये काम सुबह से चालू कर देते तो ये काम और ज़्यादा हो जाता, और बारिश आ गई तो थोड़ा काम देरी से हुआ, और उसी बीच हमें फार्म के काम भी रहते इसलिए काम थोड़ा कम हो रहा है, नहीं तो अगर वो काम नहीं रहेंगे तो ये काम हम जल्दी कर लेंगे। लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके ये 2 दिन में तो पूरा ही कर देंगे, क्योंकि आज हमने एक जाली लगा दी और कल हमने एक ये लगा दी थी,
और कल हम पीछे की साइड एक लगा देंगे, परसों इस साइड में एक लगा देंगे। तो एक जाली अभी तक अपनी ये सामने रखी हुई है, और एक तो हमने अभी बैलगाड़ी में ही रखी, वो तो निकाली नहीं आई तब से। तो अभी इन बाहर वालों को सबको बांध देते हैं, और लक्ष्मी भी बाहर आ गई, ये भी जाएगी उस वाले फार्म, और बाकी सब ये अंदर बंद हो गए। और बहुत जगह बड़ी होगी और खुली होगी इनके लिए रहने के लिए। अब तो अभी फार्म के अंदर सभी गाय को बांध दिया है, लेकिन अभी यहाँ पे है गोबर जो कि उठाना बाकी है। सुबह से सभी लोग हम उस वाले फार्म के काम कर रहे थे, तो यहाँ का गोबर उठाना पूरा बाकी, तो उठाते हैं अभी। और लक्ष्मी आ चुकी है, तो लक्ष्मी को राम जी के साथ बांध देते हैं। फिर सभी गायों को खुराक भी रखनी, खुराक भी अभी तक ढकी है, तो अभी खुराक रखते हैं। अभी 5:30 बज चुके हैं, 6 बजे तक ये सारे काम निपटाने हैं, और फिर दूध निकालने को भी बैठना है। और नीम के पेड़ के नीचे भी 4 बच्चे बाकी है। टाइम दिखाता हूँ मैं आपकी, मुझे 5:30 लगा, लेकिन 6:23 हो गए, तो 7 बज जाएंगे तब भी हमारा काम पूरा नहीं होगा। मुझे लगा 5:30 ही बज रहे। तो अभी नीम के पेड़ के नीचे जो 6 दाने उनको भी यहाँ पे लेके आना है, और मैं अभी सबसे पहले चारा डालने का काम कर लेता हूँ। पिताजी गोबर उठा लेंगे, चाचा जी खुराक बना लेंगे, छोटा भाई बच्चे ले आएगा। तो सारे काम अभी निपटा लिए, एक ही काम आखिरी बाकी है, दूध निकालने का। बाकी फिर सारे काम हो चुके हैं, तो अभी थोड़ी देर में दूध निकालने का काम भी शुरू हो जाएगा। कबूतर पहले जाके बैठे तो गेट लगा लेंगे, और चाचा जी है तो अपनी बाइक का अगला पहिया सुबह आते टाइम पंचर हो गया था, वो बिठा रहे। तो थोड़ी देर में मिल्किंग अभी शुरू हो जाएगी। जो हम आज मछली पकड़ के लेके आए थे उसको अभी कुएं में छोड़ देते, तो सारे काम हो चुके हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छी लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।